स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आई दृष्टि हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक में बस एक टॉपिक बचा है जो न्यूज इन शॉर्ट होता है ना, उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम साइंस एंड टेक डिस्कस करेंगे और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा मेजर जो चंक है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड आ जाएगा और यूपी रिलेटेड आ जाएगा, बिहार करेंट अफेयर, शॉर्ट न्यूज और स्पोर्ट्स न्यूज, इतना बचेगा फिर। तो चलिए शुरू करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा हो, कोई भी डाउट हो तो इस पर कॉल कीजिएगा, कॉल मैसेज करना, जनरली टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ये हमारे कुछ कोर्सेस है, इसको ज्वाइन करने के लिए इस पर मैसेज कर सकते हो। और 69th बीपीएससी का कोर्स हम लोग 28th मार्च से स्टार्ट करें, उससे पहले ज्वाइन करने पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस दोनों नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने एक बनाया, वहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या और कैसे कैसे करेंगे, इसमें कैसे कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हो। करंट अफेयर्स है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो ये क्या करता है, पैसा प्रोवाइड करता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें क्या होगा, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई स्कीम चल रहा है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, स्कीम के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हो सकता है, और उसको फंडिंग चाहिए, तो ये उसको फंड करेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। फ्लड हब किसने बनाया, ये किसने लॉन्च किया, गूगल ने लॉन्च किया, ताकि फ्लड को फॉरकास्ट करेंगे, फ्लड हब, फ्लड प्रेडिक्शन करेंगे, सिंपल। सार्क का करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है, आपको पता है सार्क का करेंसी स्वैपिंग फैसिलिटी कब ऑपरेशन में आया था, 2012 में आया था, और आरबीआई करता है। आरबीआई अभी किसके साथ किया, मालदीव्स के साथ किया, पिछले साल किसके साथ किया था, श्रीलंका के साथ किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल ये यूएस गवर्नमेंट लगाता है, यूएस गवर्नमेंट रहता है, ये क्या है, एक टाइप का ट्रेड कंट्रोल मैकेनिज्म है यूएस टेक्नोलॉजी के लिए, बस ये ध्यान रखिएगा। और ये अभी लगाया गया था हुआई जो कंपनी है ना, चाइना की टेलीकॉम कंपनी, इसके खिलाफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, सबसे पहले यहाँ देखिए रिपोर्ट का नाम याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, बस ये ध्यान रखिए। टाइटल क्या था, काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। इंडिया के बारे में बोला गया है कि इंडिया का ग्रोथ रेट 6.8% रहेगा करेंट फिस्कल ईयर में, और उसके बाद 8.7% रहेगा, तो ये सब याद नहीं रखना है, बस ये रिपोर्ट का नाम याद रखिए। अभी आपको पता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट एस्टैब्लिश किया जाना है 75 जिलों में, अभी कहाँ कहाँ, ये देखो ये बिल्कुल पेपरलेस बैंकिंग यूनिट होगा, मतलब मेन बैंक का ही एक एक ब्रांच टाइप का होगा जो बिल्कुल पेपरलेस होगा। तो डेडिकेट किया है पीएम मोदी जी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट, और ये अभी 4 जिलों में अभी इस्टाब्लिश भी हो गया है, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी और उड़ीसा और राजस्थान के जिलों में, ठीक है ना। और इन सबों में कितना है, 4-4, तो कितने हो गए, और 20 हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आरबीआई ने, आरबीआई का एक एक एक्शन प्लान होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान, कोई प्रॉब्लम हो ना किसी बैंक में तब लगाता है। तो अब आरबीआई ने रिमूव कर दिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पे लगाया जो हुआ था ना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान, उसको हटा दिया है। उसके अलावा सबसे पहले वेस्ट का फुल फॉर्म देखिए, वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये किसने लॉन्च किया, डॉक्टर परविंदर मैनी ने, ये कौन है, साइंटिफिक सेक्रेटरी है, किस पोस्ट के, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वुमेन को स्टीम पे फोकस करना, उनको एम्पावर करना, और उनको मतलब कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि एक बार हेल्प वुमेन को एम्पावर कर देंगे तो वुमेन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पे बन रहा है, भावनगर इन गुजरात, फर्स्ट सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं। स्वच्छ ट्वाकथन कंपटीशन, आपको पता नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है,
और आपको पता है कि जो हमारी टॉय है इंडस्ट्री है, हमारे टॉय इंडस्ट्री में मेजॉरिटी पोर्शन अभी चाइनीज खिलौनों का है, तो हम चाहते हैं कि इसके हिसाब से हम फिर से इंडियन टॉय इंडस्ट्री को इम्प्रूव करें। स्केल ऐप का फुल फॉर्म देखिए, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट ऑफ लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री तो ये किस पे बात करेंगे, लेदर इंडस्ट्री पे बात करेंगे। लॉन्च किसने किया है, CSIR ने, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आती है एक बॉडी, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। तो स्केल स्कीम किससे रिलेटेड है, लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कृतज्ञ क्या कर रहा है, स्पीड ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ध्यान देना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके साथ नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट है, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड क्रॉप साइंस डिवीजन, इन लोगों ने मिलके क्या ऑर्गेनाइज किया, एक हैकथॉन ऑर्गेनाइज किया गया। कृतज्ञ हैकथन मतलब कंपटीशन टाइप का होगा, इस कंपटीशन में क्या होगा, फोकस होगा कि कैसे किया जाए जिससे क्रॉप पे इम्प्रूवमेंट हो। उसके बाद गूगल स्टार्टअप स्कूल इनिशिएटिव, ये गूगल इंडिया ने लॉन्च किया, स्टार्टअप के बारे में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, खासकर Tier 2 और Tier 3 सिटी में, हेल्प भी करेंगे, सिस्टमेटिक करिकुलम बताया जाएगा सब कुछ। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड, ध्यान देना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज किया है AIF अवार्ड, ठीक है ना। और क्यों, बैंक को और स्टेट को फैसिलिटेट करने के लिए, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। बैंक को भी अवार्ड मिल सकता है, स्टेट को भी अवार्ड मिल सकता है। ये फंड कब बना था, 2020 में, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था ना, उसी के अंदर था, याद रखिए। तो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि कैबिनेट कमेटी जो होती है ना, उसमें इकोनॉमिक अफेयर्स वाला होता है, कैबिनेट कमेटी बहुत सारे होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ना, वही करेंगे। तो इन्होंने मर्जर करवाया, मर्जर को अप्रूव किया है, किस किस को, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL। जूट मार्क इंडिया लोगो है, जूट मार्क इंडिया लोगो, ISI मार्क या सोने वगैरह पे मार्क्स नहीं होते, सेम यही मार्क होता है। ये बताता है कि क्वालिटी कितना, मतलब क्वालिटी की ऑथेंटिसिटी बताने के लिए ये किया जाता है। और ऑब्वियसली जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है UP सिंह जी ने, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया, याद रखिए, हॉलमार्क है। नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव ये कहाँ पे हुआ, सूरत गुजरात में, याद रखिएगा। मिशन कुशल कर्मी, इसमें क्या किया जाएगा, नाम से पता है, कर्मी, कर्मी मतलब वर्कर, वर्कर को कौशल दिया जाएगा, कौन से वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर को, ताकि उनकी एबिलिटी इंप्रूव हो सके, नॉर्मल बात है। RBI का जो पेमेंट विजन है 2025, आप सिंपल पूछेगा पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया, तो RBI ऑप्शन हो सकता है, IMF ऑप्शन हो सकता है, ऐसा कुछ भी। कोर थीम क्या है, ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम, ध्यान देना, ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम, ठीक है। उसके बाद जो विजन 2025 है, ये प्रेजेंटेड अक्रॉस द 5 एंकर गोल पोस्ट, इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन, याद रखिएगा। उसके बाद है उद्यमी भारत प्रोग्राम, उद्यमी भारत प्रोग्राम, उद्यमी भारत जो प्रोग्राम है ना, उद्यमी मतलब भारत को उद्यम बनाना, ठीक है ना, और भारत के लोगों का, तो इस ओकेजन के समय कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए। पहला है रैम, रैम सिंपल पूछा किससे रिलेटेड है, MSME से रिलेटेड है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर्स स्कीम है। न्यू फीचर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम टू बूस्ट द MSME सेक्टर, याद रखिएगा। उसके अलावा FSSAI स्टैंडर्ड फॉर फोर्टिफाइड राइस कर्नल, देखो
FSSI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि इस स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए जो 45 राइस होती है, जैसे उसमें क्या क्या होना चाहिए, टेक्सचर टेस्ट वगैरह कैसा होना चाहिए, कौन से विटामिन और न्यूट्रिएंट होने चाहिए। टी हब ये याद रखिएगा, टी हब 2.0 ये दुनिया का लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर है, कहाँ पे इनाग्रेट किया गया, हैदराबाद में, याद रखिएगा। डाक कर्मयोगी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया डाक कर्मयोगी, ये ई लर्निंग पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, सिंपल है ना, सीखा जाएगा यार वहां पे डाक जो लोग करेंगे। वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल, ध्यान देना, वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल ये लॉन्च की इनॉग्रेट पीएम मोदी जी ने किया है। निर्यात का मतलब होता है नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। तो किसके डायरेक्शन में, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होना चाहिए और ईज टू एक्सेस टू ऑल स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट होल्डर, निर्यात पोर्टल बेचना है भाई, और एक वाणिज्य भवन बनाए, बिल्डिंग एक बनाए। उसके अलावा सबसे पहले होता क्या है, जो हम लोग नारियल का जो वो नारियल के अंदर नहीं होता, सूखा नारियल के अंदर जो ये रेसे रेसे टाइप के होते हैं उसे कोर बोलते हैं। ये रन ऑफ कोर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, कब ऑर्गेनाइज किया, 6 नवंबर के, क्योंकि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, इसे बहुत कुछ बनाया जा सकता है, लाइक थैला बना दिया, बोरा बना दिया, ये सब। और इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोर कॉन्क्लेव ये कहाँ पे हुआ, याद रखना, कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, एनएसओ के द्वारा कंडक्ट किया, याद रखना। उसके बाद तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा नंबर एम्प्लॉयमेंट है 2019-20 में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, ये बस ध्यान रखना। इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर टाइम्स टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करते हैं, तो इंडिया रिकॉर्ड किया सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट इस बारी 44.4 बिलियन का। सबसे ज़्यादा कहाँ पे बेचा जा रहा है, यूएसए में, फिर यूरोपियन यूनियन में, फिर बांग्लादेश में, याद रखिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या लॉन्च किया है, फिनक्लुवेशन लॉन्च किया है। सबसे पहले समझिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है, 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया गया था इसको, 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें करना है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट था, कि लोग सब जो फाइनेंस का जो सर्विस है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए फिनटेक स्टार्टअप के साथ कोलाबोरेट किया जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन मिल सके और क्रिएट कर सके। नेशनल है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, ध्यान देना, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 की बात करते हैं, कहाँ पे हुआ, गांधीनगर गुजरात में हुआ, ठीक है ना। और जो समिट किस लाइन पे बात कर रहा था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो SDG गोल नंबर 3 है उसका। इंडियन फार्मा रिकॉर्डेड हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन 2021-22, लगभग 10 मिलियन, ठीक है। उसके बाद है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसको लॉन्च किया गया पायलट बेसिस पे, याद रखिए, 5 सिटीज में, दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल और शिलोंग, ठीक है ना। बाद में 100 और सिटी में इसको लॉन्च किया गया, ओपन किया जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड है, जिसका नाम है नेक्सो। नेक्सो ने मास्टर कार्ड के साथ ये एग्रीमेंट किया है, पार्टनर किया है, ये याद रखिए। क्रिप्टो लेंडर जिसका नाम है नेक्सो, ये पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ, ये पहला क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू मैरीन स्पेसी, जिसका नाम है क्वीन फिश। क्वीन फिश कहाँ पे, केरला में, याद रखिए। और
किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया? CMFRI के द्वारा, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और साइंटिफिक नेम इस फिश का क्या है? और लोकल लैंग्वेज में इसको पोला बट्टा भी बोलते हैं, और इसका एस्कॉम्बेरियोइड्स पेलागीकस, और उसको इसको क्या बोलते हैं, क्वीन फिश भी बोलते हैं, पोला वट्टा भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब याद रखिएगा। अभी अभी 24 मार्च 2022 को गवर्नर जो कि आरबीआई के हैं शक्तिकांत दास जी, इन्होंने इनागोरेट किया है बेंगलुरु में, आरबीआई इनोवेशन हब बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसमें आरबीआई क्या चाह रहा है? इनकरेज और नर्चर करे फाइनेंशियल इनोवेशन को इन अ सस्टेनेबल मैनर थ्रू इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इंडियन रेलवे फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ठीक है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ईस्टर्न रेलवे में, आसनसोल डिवीजन में। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की बात करते हैं, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया, याद रखिए। कहाँ पे लॉन्च किया? मानेसर हरियाणा में। और ये जो है ना वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क, ये दोनों एस्टैब्लिश किया पावर ग्रिड सेंटर जो कि मानेसर में वहाँ पे है। नेक्स्ट है जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स, जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स। जिस तरह मान लो अभी एक चीज था कि कहाँ कहाँ पे टॉयलेट है उसकी जियो टैगिंग कर दो, आपको जीपीएस पे मिलने लगेंगे। अब इसमें क्या होगा, मान लो आपका मोबाइल एक ऐप होगा, तो ऐप में आपको आपको कुछ खरीदने जाना है, लेकिन आपको पता चले इस पर्टिकुलर दुकान पे तो पेमेंट ऑफ सेल जो है, सॉरी पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है, ना यहाँ पे क्यूआर कोड है, तो आप इस दुकान में नहीं जाओगे क्योंकि आपको ऑनलाइन पे करना है। तो आप आगे देखोगे आपके मोबाइल में बता दे कि ये दुकान है जिसमें POS भी है और QR कोड भी है, तो आप इस दुकान में जाओगे। तो इसी के लिए टच पॉइंट मतलब कौन से जगह पे यूज होता है वहां पे जाना है आपको। नेक्स्ट है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम है, कौन कर रहा है? सिडबी ने, सिडबी ने लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, ये साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल में। इसका एम क्या है? एम्पावर द वुमेन, एम्पावर द वुमेन। नोटोरियस मार्केट लिस्ट की बात करते हैं, नोटोरियस मार्केट लिस्ट ये कौन निकालता है? जो ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये निकालती है और बोलती है कि यार मान लो ये मार्केट है ना काउंटर फिटिंग करती है, पायरेसी करती है ये सब चीज, तो मतलब ये ऐप सब जो भी है उसको यूज नहीं करना है, ये बताते हैं। जैसे अली बाबा के द्वारा ऑन जो किया जाता है अली एक्सप्रेस, और टेनेट्स के द्वारा जो ऑपरेटेड होता है वी चैट, वी एक्सिन, ये सब चाइना स्पेसिफिक वर्जन ऑफ वी चैट जो है, इस सबको किस लिस्ट में रखा गया? नोटोरियस मार्केट लिस्ट। नेक्स्ट है इंडिया फुटवियर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फुटवियर और लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, ठीक है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसको अप्रूवल मिल गया। देखो पहले से ही प्रोग्राम है, अब ये कंटिन्यू रहेगा। वुमेन रिप्रेजेंटेटिंग इन बोर्ड रूम, रिपोर्ट क्या निकलता है कि वुमेन जो बोर्ड रूम है ना, जैसे कंपनी के बोर्ड होते हैं ना, उसमें वुमेन का परसेंटेज कितना है, ग्लोबल परस्पेक्टिव रिपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या है, वुमेन होल्डिंग 17.1% ऑफ द बोर्ड सीट इन द इंडिया इन 2021, ये याद मत करना। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, मतलब एक स्टेशन पे एक प्रोडक्ट लगाने की बात की गई है, मतलब एक प्रोडक्ट, ऐसा नहीं एक ही प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट जो कि बहुत फेमस होगा लाइक जीआई टाइप टाइप का, ठीक है ना। सीड स्कीम क्या है? सीड फुल फॉर्म देखो, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT, ठीक है ना। तो सीड स्कीम लॉन्च किया गया डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सोशल जस्टिस की बात करता है और एम्पावरमेंट की बात करते हैं। चलिए अपर भद्र प्रोजेक्ट, ये न्यू नेशनल प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे? अपर भद्र प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अनाउंस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गेव नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दिया है इसको, ठीक है ना। ये पहला स्टेट का पहला प्रोजेक्ट है इस स्टेट का जिसको ये दर्जा मिला है। एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिला है,
आरबीआई के द्वारा, आरबीआई का एक्ट जो 1934 है ना उसमें सेकेंड शेड्यूल में उसको ऐड कर लिया गया। एनबीबीएल जिसका नाम है एनपीसीआई, भारत बिल पे लिमिटेड एनबीबीएल, जो कि होली ओन्ड सब्सिडी है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, इस लॉन्च है जिसने क्या लॉन्च किया है, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, इसने इंट्रोड्यूस किया है यूनिक फंक्शनरी कॉल यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कंप्लीट हो गया इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, इसमें हमने आप लोगों को बजट और सर्वे नहीं किया, मैं वो वाले जो पीछे एडिटोरियस करा था ना वो वाला वीडियो का लिंक इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा क्योंकि बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करेंट अफेयर शुरू करेंगे। आप इस नंबर पे मैसेज जरूर करना, जो भी डाउट हो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।